नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और बर्ड फ्लू की वजह से आप लोगों ने चिकन को या चिकन चिल्ली को इग्नोर कर दिया होगा। बट अगर ये वाली रेसिपी आप खाएंगे ना, वेज रेसिपी है, तो आप चिकन चिल्ली भूल जाएंगे। देखिएगा वीडियो पूरा। तो चलिए बनाते हैं। तो ये लगभग 300 ग्राम सोयाबीन वड़ी है जिसे मैंने आधे घंटे ठंडे पानी में भिगो दिया था। और इसको हाथों से इसका पानी निचोड़ लेना, एकदम इसको एकदम ख़त्म नहीं कर देना। थोड़ा पानी रह भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे इसमें, थोड़ा सा फूड कलर देंगे। अब ज्ञानी लोग आके ज्ञान पे लेंगे कि सेहत के लिए घुइया है, लहसुन है। अरे भाई, डालना है तो डालो वरना इग्नोर कर दो। 2 कटोरी मैं डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लोर। अगर ग्राम में देखेंगे तो ये 250 से 300 ग्राम है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसे अच्छे से मिलाना है ताकि इन सोयाबीन वड़ी के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब डायरेक्ट हम इसे हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। याद रखिएगा, फ्लेम हाई होना चाहिए। हाई फ्लेम पे इसे डीप फ्राई करेंगे और इसे ऐसे ही आपको एक एक ऐसे बिखेर के डाल देना है। फिर 1 मिनट के बाद ही आपको इसे मूव करना है। ऐसा करते करते आपको लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाना है, या ये क्रिस्पी हो जाए इतना पकाना है। जब ये 5 से 7 मिनट हो जाए तब हम इसे कढ़ाई में से छान के निकाल लेंगे। अब हम एक टिपिकल चाइनीज़ वाला जो कढ़ाई आती है वो लेंगे, 3 से 4 चम्मच ऑयल। आप नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकते हैं। हाई फ्लेम पे रखना है आपको। 2 चम्मच अदरक और लहसुन मिक्स है ये। इसमें 70% लहसुन है और 30% अदरक है, मतलब आप समझ जाइए। तो 2 चम्मच डाल दिया, इसे 20 सेकेंड तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे। अब हम इसमें कुछ प्याज की कलियां डाल देंगे, कुछ शिमला मिर्च डाल देंगे। आप जोन सी भी सब्जी डालना चाहें ना, मतलब दो ही सब्जी है तो आपको जो पसंद है डाल दीजिए। अब सोयाबीन चिली है तो इसमें चिली डालेंगे 4 से 5, और इसे हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक भूनेंगे। इसे उछालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मिला भी सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 100 ml के लगभग पानी ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मैं सेजवान चटनी यूज़ कर रहा हूँ, होममेड है। आप चाहे तो शॉप मेड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दुकान का। 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 2 से 3 चम्मच डालेंगे रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस। ये है वाइट पेपर पाउडर 1/2 चम्मच। अगर आपके पास ही नहीं है तो ब्लैक पेपर पाउडर डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो चिंग का मंचूरियन मसाला आता है, वो 1 चम्मच डाल दीजिएगा। थोड़ा सा आपको नमक डालना है इसमें। अब हम इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे और इसमें आपको एक बॉयल आने देना है। जब एक बॉयल आने लगे तो जो हमने सोयाबीन बड़ी फ्राई की थी वो हम इसमें डाल देंगे, थोड़े से, जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं मसाले के अनुसार। और इसे हम 1 मिनट तक ऐसे टोस्ट करेंगे। देखिए स्लो मोशन में कर रहा हूँ, आप नॉर्मल मिला लीजिएगा, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो 1 मिनट तक पकाएंगे। अब ये हो चुका है। अगर आपको और सॉफ्ट चाहिए तो थोड़ा इसमें आप और पानी ऐड कर दो। अब जितना इसे आप पकाएंगे उतना ये सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो मुझे थोड़ी सी कड़क पसंद है तो मैं उतना रहने देता हूँ। थोड़े से मैं पत्ता गोभी के पत्ते मैंने डाल दिए हैं और इसे मिला लेना है। और लीजिए, तैयार है हमारी सोयाबीन मंचूरियन, बोल लीजिए सोयाबीन चिली बोल लीजिए। और जल्दी से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप ट्राई कीजिएगा, सच में चिकन चिल्ली भूल जाएंगे आप यही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं अब आपको चख के बताता हूँ कैसी बनी है। अगर आप लोग बर्ड फ्लू की वजह से चिकन खाना छोड़ चुके हैं ना, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। सच में चिकन नहीं खाएंगे और आपका जो स्वाद है चिकन वाला वो बना रहेगा ये खाने से। तो ये है सोयाबीन चिल्ली, या आप बोल लीजिए सोया मंचूरियन, कुछ भी बोल लीजिए। बट मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ हमेशा की तरह कि ये वह धुएं छोड़ रहा है इधर उधर। ये देखिए, है ना। देखो मैं तो खाता रहूंगा, ठीक है, आप बनाइए और खाइए, फिर बताइए कि ये कैसी बनी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसे ही धांसू फाड़ू रेसिपीज के लिए, ठीक है। तो फिर मिलूंगा नए वीडियो मैं एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ। तब तक बनाइए, घर का खाइए, हैप्पी रहिए, हेल्थ को अच्छा रखिए। घर का खाना खाएंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो बस।